नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में टाटा मोटर्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे। टाटा मोटर्स ही नहीं, आज पूरा सेक्टर ही देखेंगे। ऑटो सेक्टर आज लगभग 1.2% की तेजी पे ट्रेड कर रहा है और प्रोबेबिलिटी है कि एक रेंज को ब्रेकआउट करते दिख रहा है। जहां पूरा बाजार या निफ्टी देखें तो कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड कर रहा है पूरे दिन से, वहीं ऑटो और ऑटो के स्टॉक आउट परफॉर्म करते दिख रहे हैं। टाटा मोटर्स में हमने आपको कंटिन्यूस कहा कि 1044 के नीचे जब तक नहीं जाता है ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी को आपको इग्नोर करना चाहिए, लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना चाहिए। इसी बीच में बहुत सारे क्वेरी थे टैक्स कैलकुलेटर को लेकर के कि DVR का शेयर जो स्वैप होगा टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी में, जो ये मर्जर हो रहा है तो टैक्स के जो कैलकुलेटर हैं वो कंपनी ने रिलीज करे हैं। यहाँ देखेंगे कि द डिलिस्टिंग कंटिन्यूज द कैपिटल रिडक्शन हैविंग द सम इम्प्लीकेशंस एज अ लिक्विडेशन व्हेन द शेयर आर डिलिस्टेड इन 12 टू 15 मंथ ऑल एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑन द बैलेंस शीट एट द गिवन पॉइंट विल बी कंसीडर एज अ डिविडेंड टू करेंट DVR शेयर होल्डर। तो किस प्रकार के टैक्स आपके लायबिलिटी होंगे उसको समझने के लिए आप इस एडिटोरियल को थोड़ा डीप में समझें। इसके अलावे कुछ बड़ी क्वेरी तो नहीं है, ये यही एक क्वेरी है और जो शेयर है वो आपको सितंबर तक, यहाँ देखेंगे जो मर्जर वाला है द DVR शेयर विच हैव बीन ट्रेडिंग सिंस 2008 विल बी स्वेप्ट फॉर ऑर्डिनरी शेयर एट अ रेट ऑफ 7 ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 10 DVR शेयर। द स्वेप विल बी डेट ऑन 1st September एंड द लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग अप्रूवल ऑफ न्यू ऑर्डिनरी शेयर स्टार्टिंग ऑन सितंबर 11, द शेयर विल बी क्रेडिटेड अकाउंट ऑन सितंबर 18 एंड री मेंटेनेंस ऑफ कैश इंटाइटलमेंट विल हैपन ऑन सितंबर 21st। यानी 1st September जो रिकॉर्ड डेट है उसके बाद जो अप्रूवल है वो 11 सितंबर तक हो जाएगा और 18 सितंबर को आपके अकाउंट में DVR जो आपके अकाउंट से हटे थे उसके बदले आपको टाटा मोटर्स का शेयर मिलते दिखेगा। टाटा मोटर्स की डिलीवरी बेटर है, टेक्निकल ट्रेंड देखेंगे तो बेटर है और आज का वॉल्यूम लगभग 80 करोड़ का है और हमने आपको सिंपली कहा है कि जब तक मिनिमम ये स्टॉक 1044 के नीचे नहीं आए ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रांग है और यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है और ऊपर के तरफ 1110 के ऊपर अगेन ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, शॉर्ट के बजाय लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी को लेंगे।